सोच रहा है बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का, मैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी से आपके साथ रिजवान। आज राजधानी लखनऊ के चिन्हट देवा रोड स्थित इलाहाबाद पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। वार्षिकोत्सव की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि लखनऊ महापौर संयुक्ता भाटिया ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज चैनल के प्रधान संपादक सुनील कुमार वर्मा, प्रदेश मंत्री अनुसूचित मोर्चा राहुल वाल्मीकि रहे, विद्यालय के प्रबंधक विशाल पांडे, निदेशक अर्पिता पांडे, प्रधान आचार्य मीनाक्षी सिन्हा ने अतिथियों का भव्य स्वागत किया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। बच्चों ने माँ वीरा वादिनी के गीत पर अपनी अद्भुत प्रस्तुति दी। इसके बाद बच्चों ने सूफियाना अंदाज में अपने रब को याद किया। स्कूल के बच्चों ने पंजाब के लोकप्रिय पर्व लोहड़ी पर डांस प्रस्तुति कर सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया शिव तांडव देख सभी लोग भाव विभोर हो उठे। इसके बाद छात्राओं ने होली नृत्य पर जमकर ठुमके लगाए। उनकी इस प्रस्तुति पर खूब तालियां बजी। मंच पर होली के तुरंत बाद ही ईद का उल्लास भी बच्चों की प्रस्तुति में देखने को मिला। पारंपरिक परिधान में स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों ने गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, बारबी गर्ल्स एंड डैडी कूल, महिषासुर मर्दिनी, क्रिसमस, रामायण, वेस्टर्न गीत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत गीत प्रस्तुत किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य मीनाक्षी सिन्हा ने स्कूल की प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी। विद्यालय के प्रबंधक विशाल पांडे, निदेशक अर्पिता पांडे ने उपस्थित सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया। बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा कि विद्यालय बच्चों के चहुंमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य अतिथि संयुक्ता भाटिया व विशिष्ट अतिथि इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज चैनल के प्रधान संपादक सुनील कुमार वर्मा, प्रदेश मंत्री अनुसूचित मोर्चा राहुल वाल्मीकि ने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।